इस वक्त खड़े हम मीरापुर विधानसभा सीट पर जहां उपचुनाव होने हैं। आपको बता दें हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में चंदन चौहान ने जीत हासिल की थी। चंदन चौहान पहले सपा और रालोद के गठबंधन के साथ मीरापुर से विधायक थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें भाजपा और रालोद के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा और सांसद बने, इसलिए विधायक की सीट खाली हो गई और इसी वजह से यहाँ पर उपचुनाव होने हैं। तो देखना ये होगा कि इस चुनाव में जनता किसे चुनती है और चंदन चौहान के बाद कौन मीरापुर की जिम्मेदारी ले। तो असलम जी, 20 तारीख को चुनाव है। जी, 20 तारीख को चुनाव है। क्या क्या मुद्दे रहेंगे जिसका आप ध्यान रखते हो आप वोट करेंगे? मुद्दे तो विकास के ही रहेंगे जी, कोई हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाले कोई मुद्दे नहीं रहेंगे, विकास के मुद्दे रहेंगे, विकास पे वोट देंगे। तो जो आपके पहले विधायक थे उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, उस विधायक से संतुष्ट है जी। और जो भी विधायक दे दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अन्य संतुष्ट उससे भी थे, उन्हें भी वोट करा था। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें वोट नहीं करता, वोट करा था। और जो विधानसभा में कुछ समस्या है या सब कुछ ठीक है? समस्या तो जो है वो सबके सामने है, गन्ने का भाव है, गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, 10-20 रुपये वो भी पिछले साल बढ़े थे, अब का कोई भाव नहीं बढ़ा गन्ने का। हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी आए थे, गन्ने पे कोई बात नहीं करी, भाई ये कर दिया, वो कर दिया, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाला, टोटल भाषण यही रहा उनका, कोई गन्ने पे या विकास पे कोई बात नहीं करी। मीरापुर विधानसभा के ऊपर कोई लफ्ज उन्होंने बोल रहा हो तो वो बताओ। तो आपके जो भी अब 20 तारीख के 23 को परिणाम आएंगे, जो विधायक बने उनसे क्या चाहते हैं? उनसे यही विकास चाहते हैं भाई, विकास हो, हमारी बात आगे बढ़ाई जावे और अपना रेट बढ़ाया जावे। हाँ जी, हमारे तो यही मुद्दे हैं, गन्ने का भाव बढ़ाए, 2 साल पहले बड़ा करने कह गए थे, हमारा मोरना मिल बड़ा नहीं हुआ आज तक, गन्ना भी बस वैसे ही हो रहा, भाव नहीं बढ़े, रोड टूटे पड़े, रोड नहीं बन रहे, बस यो ही है। तो इससे पहले जो विधायक थे उन्होंने कुछ काम नहीं किया? ये विधायक ने तो इस्तीफा दे दिया था, वे MP बन गए, अब चुनाव होगा, अब देखेंगे चुनाव हो जाएगा, जीत जाएंगे, क्या काम करें, करें नहीं करें, क्या करें, अब काम करेंगे। और कौन बताओ जी, नाम बताओ। नाम फरमान है जी। फरमान जी, 20 तारीख को चुनाव है, क्या कुछ सोचा है, क्या कुछ ध्यान में रखते हो आप वोट डाल रहे हैं? हाँ जी, वैसे तो सरकार ठीक चल रही है जी, राशन भी फ्री मिल रहा, सब काम सही हो रहे हैं, बस थोड़ा सा गन्ने का रेट बढ़वा दे, दिक्कत चल रही। तो थोड़ा सा यहाँ जैसे कि हम सबसे बात करी, सबका यही कहना है कि गन्ने के रेट बढ़ाए जाए, बाकी कोई और समस्या? कुछ कोई समस्या भाई, मुद्दा तो विकास का ही है, यहाँ पे विकास के लिए यहाँ कोई आता तो है नहीं, जो समस्याएं हैं पेंडिंग ही पड़ी रहे हैं, बाकी तो कोई ऐसी बात है नहीं। तो पहले विधायक रहे चंदन चौहान, तो क्या वो आए नहीं आपके पास? यहाँ से जो भी विधायक बना आज तक कोई दोबारा घूम का आता ही नहीं, सिर्फ वोट मांगने के लिए, अब के तो वोट मांगने भी नहीं आए, बल्कि चुनाव नदी का अब तो कोई वोट मांगने नहीं आया? नहीं, कोई मांगने नहीं आया, ना कोई कार्यकर्ता आया। अच्छा, और मेन समस्या मतलब मुद्दे क्या क्या हैं जिस तरह को वोट कर रहे हैं? मुद्दा कुछ नहीं, मुद्दा तो हिंदू मुस्लिम का ही चुनाव है, यहाँ से वही होगा उत्तर प्रदेश में। अच्छा, तो बटेंगे तो कटेंगे पे क्या कहना चाहोगे? ये बटेंगे कटेंगे कुछ नहीं, सब जिसकी लट्ठी में दम है भैया वो जीतेगा। यहाँ तो जो है जो हिंदू मुसलमान है कोई नहीं, जिसकी लट्ठी में दम है वो राज करना उसे, तुम्हारी लट्ठी में दम हो जाए तो मैं गवर्नमेंट का लू सब आगे बनवा दो, तुम्हारी लट्ठी में दम है तो देखा कौन सा पवाला ही बोल जाता है सामने। तो क्या मन बनाया आप किसी ऐसी बात दे रहे हो? कोई आया नहीं भैया ने कहा नहीं, हमारे बड़े भाई ने कहा नहीं, अभी तक तो कोई वोट मांगने नहीं आया, किसे कहते हैं बताओ? वो आया था बेचारा, क्या नाम है उसका, काजीराना का लड़का, वो ही आया, वो पैर भी छू गया भैया जी 10 हज़ार उसको सामान भी कर गया, और बताओ कौन आया, कोई आया नहीं अभी तक। तो फिलहाल तो अभी तो हम तो सोच रहे हैं सही देते बेचारे को, जब वो सामान कर रहा काजीराना जिंदाबाद कहते हैं फिर शर्मा जी, बस तो काजीराना जिंदाबाद। आप बताओ क्या? बस यही है जी, विकास का ही मुद्दा है और तो कोई मुद्दा नहीं है, जो भी कोई आता है जीत कर चला जाता है, दोबारा उसकी शक्ल भी देखने को नहीं मिलती हमें। तो आपने समाजवादी का कार्यकाल देखा, BJP का देख रहे हैं, किससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो दोनों सही थे, हमें तो कि इसे कुछ काम पड़ा ही नहीं है, ऐसा ना पड़े तो ज़्यादा बढ़िया है, पर काम करना चाहिए। यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है और विकास के नाम पर कुछ नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं है, सड़क पर ही लोग अपनी वर्जिश करते हैं, सब घूमते हैं सड़क पर ही, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, ना कोई हॉस्पिटल है यहाँ, ना कोई ऐसी सुविधा है, जरा सी बारिश हो जाओ सारे कस्बे में चारों तरफ गंदगी का ढेर है, पानी भर जाता है, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है, बहुत चीजें हैं यहाँ, समस्या ही समस्या है। तो जी आप बताइए, जो ये बटेंगे तो कटेंगे चल रहा है नारा दे रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिए यार आदमी, बटेंगे कटेंगे
बताओ तुम मुझे, अब से पहले तो ये तो हिंदुस्तान का वो है, ये ना लटके आ रहे हैं, ये जब लटका जाए जब इन्हें जरा चैन है, अब थोड़ी देर में लट पड़ जाएंगे, फिर चैन पड़ जाएगी ना। तो इससे पहले जो विधायक थे उनके कामों से कितने संतुष्ट थे? मैंने तो शक्ल भी देखी, तो आई नहीं धरातल, मैंने शक्ल भी देखी, 3 साल तो मेरी दुकान पर गई, MP साहब तो वे अभी बने, 2.5 साल में मैंने तो शक्ल भी देखी उनके, यहाँ आए हो कभी बाजार में मार्केट में, कोई अगर कोई आदमी कहता है मार्केट में आए हो तो बात है, तो कोई काम भी नहीं हुआ उनके कार्यकाल भाई, हमारे हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा जी, पानी की समस्या, निकल कर जाना पड़ा है बरसात में, बच्चों को छोड़ने जाना पड़ा है स्कूल में, ये ट्रिपल एस स्कूल है, यहाँ इतना पानी भर जा, समस्या ही वही है, और हमारे तो क्या समस्या, कोई हम ना उससे वो मांग रहे कि भाई हमें कुछ यहाँ से सामान देंगे ला के या वो करेंगे। तो जो भी विधायक बनेंगे उनसे आपके क्या क्या मांगे रहेंगी? एक तो पानी की निकासी की रहेगी जी, एक विकास की रहेगी, बस मेन तो दो समस्या ही है। और सरकार तो दावे कर रही है विकास हुआ है, रोजगार मिला है, शिक्षा स्वास्थ्य सब पे काम हुआ है, भैया उनके घरों में ही हुआ हुआ काम, हमारे घरों में कोई काम नहीं हुआ, हमारे यहाँ कस्बे में कोई डबल इंजन की सरकार है, तो भी आप ऐसा कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ जी काम, कुछ कुछ काम नहीं हुआ जी, कैसा भी काम नहीं जी। आपके क्या क्या मुद्दे हैं भाई? यहाँ पर सब लोग व्यापारी होंगे, तो व्यापार के उसमें कुछ बताइए सरकार से, क्या क्या चाहते हैं कि हमारा व्यापार आगे बढ़े? GST पर कुछ बात करते हैं। देखो GST का तो सबके साथ है भैया, पहले तो है कि बड़े फैक्ट्री वाले दे रहे हैं, फिर वे हम दे रहे हैं, वो तो उनके साथ ही में, उसमें तो देखो उसमें कहना भी बेकार है, हमारे इतने छोटे, अगर मान लो हम कहेंगे भी 2-4 मुद्दे तो जब भी उसका कुछ नहीं होना है। GST का कोई मुद्दा ही नहीं है, GST से कोई ना तो किसी को नुकसान है ना किसी को फायदा है, ठीक है, उससे कोई मैटर नहीं है इसका। रही कारोबार की बात, कारोबार तो मंदा है, आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है और वो तो चलता ही रहेगा, गवर्नमेंट से किसी की भी आवे ये मंदी का दौर तो चलेगा ही फिलहाल, क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं है, कोई गवर्नमेंट को चाहे कि ये रोक देगी या वो रोक देगी, कोई गवर्नमेंट नहीं रोक के देगी। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उनके टाइम में क्या व्यापार था, कैसा चल रहा था? जब हम व्यापारी नहीं थे भाई, अच्छा सरकार में व्यापारी बने हैं, सरकार में हम इसी सरकार में व्यापारी बने, उस टाइम में व्यापारी नहीं थे। तुम क्या कहते हो भैया, कहते हो जी? तो बताइए आप बताइए जी, किस तरह से जो है व्यापार, आप अपने विधायक से क्या चाहेंगे कि वो किस तरह से व्यापार के कारोबार में आगे? व्यापार में ना तो कोई विधायक कुछ करे, सरकार करे, इसमें तो आदमी को स्वयं ही करना, जो करेगा आदमी स्वयं करे। आप अपने विधायक से उम्मीद कर सकते हो कि आपकी आवाज विधानसभा में उठाएगी किस तरह से? नहीं जी, हम किसी विधायक से कुछ नहीं चाहते, जब वे हमें नहीं चाहते तो हम भी उन्हें नहीं चाहते, सिर्फ वोट है, मन करेगा दिया होंगे, नहीं जी करेगा नहीं दिया करने के। तो पहले भी जो पहले विधायक थे उनके साथ भी यही था? हाँ सबके साथ ही है जी, इस जो विधानसभा का हमारी का बड़ा दुर्भाग्य है, यहाँ पे किसी की कोई ना कोई विधायक आता ना कोई सांसद आता, ये मेन हाईवे है, यहाँ पे पानी भरता है, बाहर की गाड़ी आती है, कावड़ यात्रा होती है, उसमें कावड़ियों को परेशानी होती है, पानी इतना भर जाता है, गाड़ियाँ लोगों के बीच में बंद हो जाती है, महिलाएँ बच्चे सब बहुत परेशान रहते हैं। जब वो जीत रहे हैं कहीं ना कहीं तो काम हुआ होगा ना? नहीं हम देखो जी, हमें सारे क्षेत्र में हमें तो घूमना नहीं ना, हमें विधायक ही लड़नी, हमें तो जो अपने कस्बे की मेन समस्या है, इस कस्बे में आप चारों तरफ कहीं भी जाओगे तो चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा, वो भी गंदा पानी। एक समस्या है पानी की है सबसे महत्वपूर्ण, ये है दूसरी हॉस्पिटल की है, तीसरी बच्चों के खेल के लिए यहाँ मैदान नहीं है, सब आते हैं वादे करते हैं लेकिन आज तक किसी ने भी पूरा नहीं किया। बक्का सब तो चल ही राजा चल रहा, भाई मजदूरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, वो तो काम कर ही रहे सब, उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है एक तो पानी की, भैया ने बताया बड़े भाई ने, दूसरा जो है उसकी है हॉस्पिटल की, और तीसरा खेल के मैदान, खेल का मैदान बहुत जरूरी बताओ। वैसे तो ये कह रहे हैं साहब, गवर्नमेंट कह रही थी खेल का आप ये करो वो करो, बच्चों को प्रोत्साहन दो, कहाँ प्रोत्साहन दें, सड़क पर भगावें, अब मील चल रहा, कोई ट्रॉली लेकर आ रहा, बताओ मील लड़के इस पर दौड़ सकें, सड़क पर दौड़ेंगे थोड़ी, उन्हें ग्राउंड चाहिए दौड़ने के लिए। सबसे पहले तो खेल का सबसे पहला स्टेप ही जो है दौड़ है। तो जो गन्ने के भाव ठीक है? हाँ गन्ने के भाव ठीक है जी, गन्ने के भाव बिजली भी ठीक आ रही है गांव में? हाँ गांव थोड़ी कस्बा जी, और जो गांव है कबीरापुर में गांव भी था भैया, और हम क्या कह सकते हैं, 3 दिन हाँ इतनी बड़ी आ रही, 3 दिन से तार टूट रहा जी, हाँ सही हुआ, कोई जीता कोई हमारे तो बीजेपी, हमारे तो वोट बीजेपी को जागी है, मैं सपोर्ट बीजेपी को हर तरह से, राष्ट्र का वोट करेंगे, हम तो जो है अपनी अपनी पार्टी का वोट देंगे, हमारी पार्टी बीजेपी है, भगवा है तो हम है, यहाँ भगवा नहीं हम नहीं, कोई मुद्दा विकास का, शिक्षा स्वास्थ्य कुछ नहीं, हमारा कोई मुद्दा नहीं, हमारा कोई फकड़ साध में तो बिछड़ने वाले धरती पर है, कोई विकास का नहीं है। जैसे लोग बता रहे हैं कि मीरापुर क्षेत्र में पानी की निकासी का समस्या है, तो उस पर आप किस उसमें मतलब साथ है, भक्तों के साथ में अगर समस्या है तो है, उसका समाधान होना चाहिए।
आपकी पार्टी है तो थोड़ा सा इन्हें आप हाँ बोल रहे हैं जो कह रहे हैं इस चीज़ का समाधान होना चाहिए। विधायक बने आप उनसे जाओ बात, खेल का है, रोड का है, एक हॉस्पिटल का है मेन जो है, हॉस्पिटल कोई नहीं, मीरापुर बड़ा कस्बा है जो है, 25,000 वोटिंग है मीरापुर की। जगपाल सिंह जी 20 तारीख को चुनाव है, क्या क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे जरा थोड़ा सा बताइए हमारे साथ। प्रमुख मुद्दे हैं यहाँ, सबसे पहला मुद्दा है प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था का, और दूसरा मुद्दा है यहाँ जो हमारी प्रत्याशी हैं वो बहुत सरल स्वभाव की हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत समझ कर निर्णय लिया, बहुत अच्छी प्रत्याशी यहाँ मीरापुर विधानसभा में भेजी, उन्हें सर्व समाज का समर्थन मिल रहा और वोट मिलेंगे, और कैंडिडेट प्रत्याशी वही जीतता है जिसे सर्व समाज की वोट मिलती है। जैसे कि आपने समाजवादी पार्टी का कार्यकाल देखा, बीजेपी का आप देख रहे हैं, तो किससे आप संतुष्ट? समाजवादी की सरकार में सिवाय गुंडागर्दी के, सिवाय माहौल खराब करने के और कोई प्रदेश में विकास की बात हुई नहीं, और जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई और तब से प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक है, और ना तो अब किसान खेत में जाता डरता, और ना माताएं बहनें कहीं देर सवेर माती जाती डरती, और सपा की सरकार में सो तो किसान भी खेत में जाता डरता, पता नहीं कहाँ लूट खसोट हो जा, और महिलाएं भी बाजार में जाती डरती थी, कहीं चैन लूट खसोट होती थी, कहीं महिलाओं के कुंडल काट लेते, वहाँ तो गुंडागर्दी का माहौल रहा उनके कार्यकाल में, उन्होंने और कोई काम विकास का नहीं करा, इस प्रदेश को बर्बाद करने का काम करा। इससे पहले जो यहाँ के विधायक थे चंदन चौहान जी, तो उनका आपने कार्यकाल देखा, कितने संतुष्ट हैं आप चंदन चौहान जी से? चंदन चौहान जी का भी परिवार बहुत अच्छा परिवार है, और मैं भी अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, और चंदन चौहान जी ने भी अच्छा विकास किया और भाईचारा भी कायम रखा, और अब चंदन चौहान के सांसद बनने के बाद ही मीरापुर सीट खाली हुई, उसके बाद मिथिलेश पाल जी को जयंत चौधरी योगी जी ने टिकट देकर हम लोगों के बीच भेजा, और चंदन चौहान जी भी पूरे प्रयासरत हैं मिथिलेश पाल जी को चुनाव जितवाने के लिए, और सर्व समाज के लोग, सर्व समाज के नेता बहन मिथिलेश पाल के पीछे खड़े, और सबका प्रयास यही है कि भाईचारा कायम रहे और सब वर्गों की वोट मिले, और मिथिलेश पाल विधानसभा में पहुंचे और जयंत चौधरी योगी जी के हाथों को मजबूत करें जी। आपका नाम? रविकांत प्रधान। रविकांत प्रधान जी, क्या मुद्दे रहेंगे 20 तारीख को? देखो आप जो वोट करेंगे तो क्या प्रमुख मुद्दा ध्यान में रखते हो आप वोट कर रहे हैं? 2009 के उपचुनाव में मिथिलेश पाल जी विधायक बनी थी, तब ये मोड़ना विधानसभा हुआ करती थी, उस समय मिथिलेश पाल जी ने ढाई वर्ष में इतने कार्य किए कि कोई विधायक 5 साल में करने में योग कर नहीं सकता, असमर्थ है, तो मात्र 2.5 साल में उन्होंने इतने काम किए, और मैं उनके व्यवहार को हर तरीके से उन्होंने महसूस कराया, सभी के साथ सुख दुख में आना जाना और शादी ब्याह में सभी के आना जाना उनका लगातार क्षेत्र में बना रहा, इसी के ब्याह पर पूरा सर्व समाज 36 बिरादरी के लोग मिथिलेश पाल जी को वोट कर रहे हैं, और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से मिथिलेश पाल जी यहाँ से विधायक बनने जा रही और 20,000 प्लस से वो ये चुनाव जीतेंगे। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है मिथिलेश पाल जी? 101%, कोई 100% कहता मैं 101% कहूँगा, क्योंकि उनका व्यवहार और उनकी जो कार्यशैली है वास्तव में ही वो बिल्कुल धरातल पे होकर कार्य करती है और सभी की सुनती है और सभी के बीच उपस्थित रहती है, एक नारी होने के बाद भी एक पुरुष से ज़्यादा वो कार्य करती है और पुरुष से ज़्यादा क्षेत्र हमेशा रहती है। हमने आपको मीरापुर की जनता से मिलवाया जिन्होंने अपने मुद्दे हमारे सामने रखे, जनता कहना है कि 20 तारीख को वो वोट डालते समय इन समस्याओं को ध्यान में रखेंगे। जनता से बातचीत में उन्होंने बताया कि पानी निकासी की समस्या, एक अच्छे स्टेडियम, अस्पताल और स्कूल की आवश्यकता शामिल है। सभी प्रत्याशियों चुनाव प्रचार जोरों शोर से जुटे हुए हैं, अब देखना ये होगा कि जनता अपना आशीर्वाद किसे देती है। We'll be right back.